हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जैसे हम रेलवे कई बार आते हैं, कई बॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये रेलवे है, ये देखिए इस साइड में रेलवे चल रही है, ठीक है। तो बट इसमें कई सारे, जैसे ये पटरी जा रही है, ये पटरी, इनकी पटरी पर जो जा रही है, जगह जगह बॉक्स लगे होते हैं। जैसे लाइक ये बॉक्स देखिए, ये बॉक्स है, दिख रहा है आपको? तो ऐसे बहुत सारे बॉक्स लगे हुए जो जगह जगह लगे होते हैं, हर 5 किलोमीटर पर, हर पटरी का अलग अलग बॉक्स होता है। तो एग्जांपल आप ये ले लो कि जैसे ये पटरी चल रही है, इसके बॉक्स भी लगे होंगे हर जगह जगह, हर 5 किलोमीटर पे आपको एक ऐसा बॉक्स बड़ा वाला दिखाई देगा, जो पता है आपको ये क्या काम करता है। वो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जिसलिए लगा हुआ, किस लिए लगा होता है। तो इसका काम आपको बता देता हूँ, एक्सल का काम होता है, जो आगे को जो अगला बोर्ड होगा उसको फॉरवर्ड करेगा वो, कि ये कितनी चक्के हमारे जो है कि आगे जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। अगर सही नहीं जा रहा तो अगले प्लेटफार्म पे वो ऑटोमेटिकली चेकिंग का एरो बन जाएगा और आपको वहाँ पे वो चेक किया जाएगा। जैसे CRPF जो भी रेलवे के कर्मचारी हो लग जाएंगे, वो अगले स्टेशन पे आते के साथ चेक करने लगेंगे कि नहीं क्या सही है या क्या गलत, वो चेक करने लगेंगे कि नहीं सही हमारा चक्के सही जा रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपको एक्सल दिखाऊंगा, किसको एक्सल बोलते हैं। तो ये बॉक्स का काम, ये देखिए बॉक्स, ये बॉक्स है, इसका काम एक्सल है। जितनी ये जाएंगी चक्के, ये पूरा एक्सल करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा अगले वाले बॉक्स को, वो अगला बॉक्स ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड करेगा अगले बॉक्स को। जो स्टॉपेज होगा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे, वहाँ पे अगर एक चक्का भी अगर गड़बड़ हो गया तो वहाँ पे क्या करेगा, वो गाड़ियों को ऑटोमेटिकली वहाँ पे बंद करना पड़ेगा। वो आगे उसको अलार्म मिल जाएगा कि नहीं यार एक चक्का यहाँ से खो गया है, उसको अब वहाँ पे चेकिंग में लग जाएंगे कि कौन सा चक्का खोया हुआ है। तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो देखेंगे फिर हमारा कौन सा गड़बड़ है, तो वो देखेंगे कहाँ पे एक्सल आगे फॉरवर्ड किया है, वहाँ पे वो चेक करेंगे कहाँ तक एक्सल सही है। उससे क्या है कि पता चल जाएगा कि गाड़ी का कहाँ पे चक्का निकला हुआ है और कितना कौन से भाग का निकला हुआ है, वो सारे उनको मतलब नोट, ये पूरे एक्सल मतलब पूरा नोट करके भेजता है कि नहीं कितने चक्के में कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो क्या है कि ये जस्ट 5-6 किलोमीटर आगे लगा होगा जो अगला बॉक्स, उसको फॉरवर्ड करेगा। देन वो क्या होगा, अगर वहां पे सही है तो अगले वाले को फॉरवर्ड करेगा। ये अच्छा, जितनी पटरी होती है ना, ये सब में होता है बॉक्स। लाइक ये पटरी देखिए, ये पटरी है, हर पटरी में बॉक्स होते हैं। जैसे ये ले लीजिए, यहाँ पे सारे पटरी है, यहाँ पे भी यही होते हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ एक्सल, एक्सल में वो क्या गिनती करेगा मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे ये ट्रेन की, मैं ट्रेन में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ट्रेन है, ठीक है। अब एक्सल किसको बोलते हैं मैं दिखाता हूँ। जस्ट लाइक ये देखिए, ये चक्का लगा होगा, मैं आपको पीछे से मैं दिखाता हूँ, अच्छे से थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको एक्सल बोलते हैं। जैसे ये चक्का चल दिया, एक ये दोनों चक्का मिला के एक एक्सल हो गया। इसको ये पूरा गिनती करता है, वो एक एक चक्का नहीं गिनती करेगा, वो एक्सल। देखिए ये जैसे आगे आ रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ ट्रेन स्टार्ट हो गई है, जैसे एक्सल आएगा, ये देखिए ये दोनों चक्का को एक एक्सल बोलते हैं। ये पूरी तरह से वो गिनती करेगा, ठीक है। तो ये गिनती करके ये आगे डिलीवर करेगा अगले वाले बॉक्स को। अगर गलत होगा तो समझ लो कि अगले स्टॉपेज पे जैसे स्टेशन आते के साथ चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये सही है तो फिर ठीक है, तो आगे वो हमेशा एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो इसका ये काम हो गया, तो आप समझ जाइए इस बॉक्स का क्या काम होता है। मुझे लग रहा है आपको जानकारी मिल गई होगी इस बॉक्स का क्या काम होता है। मैं और सारे बॉक्स दिखा दूंगा, हर एक का अलग अलग होता है, किसका कौन है वो, उसमें कोई लगा रहता है उनका एंगल, जिससे वो सारा A to Z एक्सल करता है कि नहीं कितनी बॉक्स होती है उसमें। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो यार अच्छा लगा होगा।